फरीदाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नेहरू कॉलेज की नई इमारत की नींव रखी। कॉलेज की नई इमारत बनने के बाद करीब 8000 छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल कर सकेंगे। फरीदाबाद को एक नहीं अनेकों सौगातें मिली हैं और आज इसी कड़ी में फरीदाबाद का जो गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद, इसको नेहरू कॉलेज के नाम से जाना जाता है, 47 साल पहले इसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और आज उसके बाद जब ये भवन कंडम हो गया तो लगभग 48 करोड़ की लागत से 15000 बच्चों के लिए एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। 48 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 7500 सीटों के दो भवन बनेंगे। एक पहले चरण में बनेगा, फिर दूसरा जो एग्जिस्टिंग है उसको डिसमेंटल करके दूसरे चरण के अंदर बनेगा। और मैं समझता हूँ हरियाणा का सबसे बड़ा ये कॉलेज है, इसके लिए मैं माननीय मनोहर लाल जी को, कृष्णपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा उन्हें कि शहर को एक नई इतनी बड़ी सौगात देने के लिए जो उन्होंने का प्रयास रहा, इससे फरीदाबाद के वो लोग बहुत लाभान्वित होंगे और भारत का भविष्य जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा और अच्छी तरीके से जो कम्यूटिंग टाइम है उसको शिक्षा में लगाकर एक नए रिजल्ट हरियाणा को और देश को दे सके। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हरियाणा को लगातार नई नई सौगात दे रही है। शिलान्यास और उद्घाटन पर बीजेपी का जोर है, अब देखना यह है कि चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है। R9 टीवी के लिए फरीदाबाद से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।